Hi गर्ल्स वेलकम बैक टू my चैनल और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप फाइव असेंशियल्स या फिर टॉप फाइव असेसरीज जो अगर आप अपने एथनिक आउटफिट के साथ स्टाइल करते हो तो डेफिनेटली आपका जो लुक है वो और ज्यादा अट्रैक्टिव एंड और ज्यादा स्टाइलिश नजर आएगा होता है कि कई बार ना हम अपने आउटफिप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं यानी कि काफ़ी अच्छा खास और महंगा आउटफिट लेते हैं लेकिन जब फाइनली हम उसको पहन के रेडी होते हैं तो वो लुक नहीं आ पाते हैं जो एक्शन में हमें चाहिए होते हैं तो कमी कहाँ पे रह जाती है कमी रह जाती है उसके साथ जो हमने पेयर किए हैं असेंशियल्स या फिर जो उसके साथ एसेसरीज हमने पेयर अप किए हैं कई बार उन पर हम इतना ध्यान नहीं देते हैं और इस वजह से हमारा जो ओवरऑल लुक है वो थोड़ा अधूरा सा लगता है तो इसीलिए ना आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जिन्हें अगर आप अपने एथनिक आउटफिट के साथ स्टाइल करोगे ना तो आपका लुक कम्प्लीट भी लगेगा और आप और ज़्यादा स्टाइलिश भी नज़र आओगे इनमें से कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन परचेज की है तो जो मैंने ऑनलाइन परचेज की है उनका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बट कुछ एक

इस टाइप के जो इयरिंग्स है वो आपको एक बहुत ही अच्छा सा एथनिक लुक देते हैं सो गर्ल्स दिस इज द फर्स्ट थिंग जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी और ये वाला जो इयरिंग्स होते हैं ना काफ़ी भरा भरा सा लुक देते हैं आपने कई बार देखा भी होगा कि कुछ लड़कियां ना प्लेन आउटफिट्स के साथ भी इस टाइप के चाँद वाली ईयरिंग्स को स्टाइल करती हैं और ये जो चांद वाली इयरिंग्स होते हैं ये आपको एक बहुत ही अच्छा सा एंड बहुत ही कंप्लीट सा लुक देते हैं एथनिक कुर्तीज हो गई या फिर अनारकली कुर्तीज़ या फिर अनारकली गाउन्स हो गए इस टाइप की जो ड्रेसेस होते हैं ना उनके साथ चांद वाली इयरिंग्स बहुत अमेजिंग लगते हैं तो अगर एक ट्रेडिशनल सा लुक आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए ना चांद वाली इयरिंग्स आर परफेक्ट सो गो फॉर इट गर्ल्स एंड एक पेयर आपके पास जरूर होना चाहिए चांद वाली इयरिंग्स का ओके सेकंड थिंग जो आपके पास जरूर होनी चाहिए गर्ल्स वो है एक एथनिक जैकेट चाहे लॉन्ग हो या फिर शॉर्ट हो किसी भी टाइप की हो लेकिन एक एथनिक जैकेट आपके पास जरूर होनी चाहिए ये ना आपके लुक को ना कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है स्पेशली जो प्लेन कपड़े होते हैं चाहे वो प्लेन सूट हो गया फिर प्लेन अनारकली सूट या गाउन हो गया उसके साथ भी इस टाइप की जो एथनिक जैकेट है वो बहुत अच्छी लगती है मेरे पास ये एक एथनिक जैकेट है जो कि शॉर्ट में है और इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के कॉम्बिनेशन है बीच में साथ में पिंक है साथ में ऑरेंज कलर है एंड लाइट वाला जो येलो कलर है वो भी बीच में है और इसका जो बेस है वो ब्लैक कलर का है तो बहुत ही खूबसूरत सी ऐसे एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर हो रखी है गर्ल्स और इसका जो बॉर्डर है ना वो कुछ इस टाइप का है यहाँ पे कुछ इस टाइप का बॉर्डर आपको मिल जाता है इसके साथ साथ ना यहाँ पे लटकन बहुत प्यारी लगे मुझे इसकी इसकी कुछ इस टाइप की लटकन यहाँ पे मिल जाती है सो so, गर्ल्स इस टाइप की एक एथनिक जैकेट आपके पास जरूर होनी चाहिए

क्योंकि अगर आप इन्हें हाफ स्लीव या फिर स्लीवलेस कुर्ती के साथ स्टाइल करते हो ना तो वो लुक नहीं आ पाता है जो कि एक फुल स्लीव की कुर्ती के साथ आता है तो अगर आपके पास कोई भी प्लेन में फुल स्लीव कुर्ती या फिर प्लेन में फुल स्लीव का सूट तो उसके साथ आप इस टाइप की एथनिक जैकेट को स्टाइल कर सकते हो डेफिनेटली आपका लुक जो है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आएगा थर्ड थिंग जो आपके पास जरूर होनी चाहिए वो है एक स्टेटमेंट रिंग येस गर्ल्स चाहे आप एथनिक आउटफिट पहनते हो या फिर आप वेस्टर्न कपड़े पहनते हो लाइक जो गाउन होते हैं उस टाइप के कपड़े आपके पास एक स्टेटमेंट रिंग जरूर होनी चाहिए ये आपको ना एक बहुत ही अच्छा सा लुक देती है एंड आपने मुझे बहुत बार वीडियोज में देखा भी होगा कि इस टाइप की जो स्टेटमेंट रिंग होती है ये मैं अपनी कई बार वीडियोज में स्टाइल भी करती हूँ एंड मेरे पास ना दो है ये सिल्वर कलर में स्टेटमेंट रिंग्स और उसके अलावा ना एक मेरे पास ये है ब्लैक कलर में स्टोन वर्क के साथ स्टेटमेंट स्टेटमेंट रिंग सॉरी ये जो सिल्वर वाली रिंग्स है ना ये मैंने अमेजोन से परचेज की थी तीन

तो मैं इसका पूरा सेट भी पहन लेती हूं। तो इस टाइप का ब्रेसलेट और इस टाइप के रिंग का अगर आपको पूरा सेट खरीदना हो, तो भी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा सो so, गर्ल्स ये हो गई थर्ड थिंग जो डेफिनेटली आपके पास होने ही चाहिए एंड बहुत ही रॉयल एंड बहुत ही सा लुक क्रिएट होता है इस टाइप की स्टेटमेंट रिंग्स के साथ अगली एक्सेसरी जो मेरी फेवरेट भी है वो है ये गोल्डन कलर की पंजाबी जुतीस मुझे पंजाबी जुतीस पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है डिफरेंट दिफ्रें, डिफरेंट कलर्स की पंजाबी जुतीस मेरे पास हैं लेकिन ये वाली जो जुतीस है ना ये गोल्डन कलर में जुतीस है यानी कि ये यूनिवर्सल जूती है आप इन्हें किसी भी कलर के आउटफिट के साथ पहन सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आ, ये ना सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है आपके पंजाबी सूट यानी कि पटियाला सूट्स के साथ उसके अलावा जो धोती सलवार सूट होते हैं ना उसके साथ भी मैं बहुत बार स्टाइल करती हूँ क्योंकि गोल्डन कलर

पॉसिबल हो नहीं पाता और कई बार ये थोड़ा आउट ऑफ बजट भी चला जाता है तो उस केस में ना हमारे पास ये ऑप्शन रहता है कि इस टाइप की गोल्डन वर्क की जो जूती होती है ये हमारे हर कलर के आउटफिट के साथ चल जाती है सो so, अगर बजट फ्रेंडली आपको आइडिया चाहिए तो ये वाली जूती परफेक्ट है जस्ट गो फॉर इट गर्ल नाउ लास्ट में जो आती है वो है एक इस टाइप की एथनिक बेल्ट अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि यार सूट्स के साथ कौन बेल्ट पहनता है तो सूट के साथ नहीं लेकिन कुर्ती के साथ इस टाइप की बेल्ट है वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती है ये जो एक मेटेलिक बेल्ट है ये भी मैंने ऑनलाइन परचेज की थी इस टाइप की जो मेटेलिक बेल्ट है आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है गर्ल्स और इन्हें ना आप अपने डिफरेंट डिफरेंट कुर्तीज के साथ अच्छे से स्टाइल कर सकते हो डिफरेंट साड़ीज के साथ स्टाइल कर सकते हो और एक चीज़ कई बार क्या होता है कि दुपट्टा जो हमने कैरी किया होता है ना वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है संभालने में और या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि वो थोड़ा फुला फुला सा रहता है तो उस केस में ना हम इस वाली बेल्ट को यूज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा सा लुक क्रिएट होता है अगर आप इसे यूज करके देखते हो तो, तो इस टाइप की एक बेल्ट आपके पास जरूर होनी चाहिए एंड इट इज सो अमेजिंग गर्ल्स आप यकीन नहीं करोगे ओवरऑल इसके साथ बहुत अच्छा लुक आप क्रिएट कर सकते हो सो दिस इज द लास्ट थिंग जो आपके पास जरूर होनी चाहिए एंड आप अपने ओवरऑल लुक को तरीके से एनहांस कर सकते हो सो गर्ल्स ये है टॉप फाइव असेंशियल या फिर असेसरीज जो आपके एथनिक लुक को कंप्लीट करने में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी और आपका जो ओवरऑल एथनिक लुक है वो कंप्लीट नजर आएगा और और भी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आएगा तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो ऑन टॉप फाइव एसेंशियल्स टू कंप्लीट योर एथनिक लुक सो मैं आपसे मिलती हूं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ केयर एंड बाय